हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एचएस टेक्निकल चैनल में। आज हम आपके लेके आए हैं एंड्रॉयड टीवी के लिए एक जियो एप्लीकेशन। आप सभी जानते हैं कि जियो मोबाइल यूज़र अपने फ़ोन में एक जियो टीवी नाम की एप्लीकेशन डालकर अनलिमिटेड डीटीएच चैनलों को देख सकते हैं, जैसे स्टार प्लस, जी सिनेमा, जी एचडी, सोनी एचडी, डिस्कवरी एचडी। ये सभी चैनल बिना किसी सब्सक्रिप्शन के आप देख सकते हैं, परंतु इन्हीं सब्सक्रिप्शन वाले चैनलों को आप मोबाइल में तो देख लेते हैं, परंतु अगर आपके पास एंड्रॉयड टीवी है तो उसके लिए हम आपके लेके आए हैं नया एक सिस्टम। तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है अपने एंड्रॉयड टीवी के और एक ऐप को इंस्टॉल करना है जिसका नाम है कोडी, KODI। अभी आपके सामने अपने प्ले स्टोर ओपन हो गया है या हम एक एप्लीकेशन को सर्च करने जा रहे हैं, KODI। ये एप्लीकेशन को आपको अपने एंड्रॉयड टीवी में इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं किया होगा, केवल 10 मिनट्स की वीडियो है। आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखना है, किसी भी स्टेप को स्किप नहीं करना है। अगर आप वीडियो को स्किप कर देते हैं तो आप किसी ना किसी स्टेप पे गलती कर दोगे और फिर ये ऐप इंस्टॉल नहीं हो। एक चीज़ और बता दें, इस तरह की टेक्निक से आप जियो टीवी को एंड्रॉयड फ़ोन में डाल सकते हैं, परंतु इसे सिमिलर कुछ टेक्नोलॉजी भी है, कुछ टेक्निक भी है, जिससे आप कोडी ऐप का इस्तेमाल करके जियो टीवी को डालेंगे, परंतु उस जियो टीवी ऐप को चलाने के लिए आपको अपने एंड्रॉयड टीवी में माउस लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये बड़ा ही झंझट का काम है कि एक एप्लीकेशन चलाने के लिए आपको अपने टीवी में माउस का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो हम जो आज आपके लिए टेक्निक लेके आए हैं, इसमें आपको ना तो एंड्रॉयड टीवी पे कोई माउस लगाना है, ना एंड्रॉयड टीवी को कोई डेवलपर ऑप्शन ऑन करनी है, ना ही कोई ट्रिक्स यूज करनी है। बिल्कुल ऑफिशियल ऑथेंटिकेट तरीके से आप जियो टीवी एप्लीकेशन को अपने एंड्रॉयड टीवी में इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो में बने रहे, हम वीडियो को कहीं भी स्किप या कट नहीं कर रहे, ताकि आप पूरी वीडियो के दौरान लाइव एक्सपीरियंस से स्टेप बाय स्टेप कर सके। तो ये कोडी ऐप इंस्टॉल हो गया है, यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है, यहाँ पे माइक का एक्सेस देना है, यहाँ पर आपको डिवाइस का एक्सेस देना है और कोडी ऐप इंस्टॉल होकर तैयार हो गई है। परंतु दोस्तों, अभी इसमें जियो टीवी नहीं चलेगा, जियो टीवी इसके प्लगइन में एड ऑन करना पड़ेगा। जैसे आप गूगल क्रोम ब्राउज़र अगर आप कंप्यूटर पर यूज़ करते हैं तो उसके अंदर भी आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए एड ऑन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी तरह कोडी ऐप के अंदर एक एड ऑन है जियो टीवी का। परंतु पहले उसको एक वेबसाइट से जिप फोल्डर डाउनलोड करना पड़ेगा इसमें, उसके लिए आपको कोडी ऐप की सेटिंग में आना है और फाइल मैनेजर को ओपन करना है। फाइल मैनेजर में एक ऑप्शन है ऐड सोर्स, आपको जाना है ऐड सोर्स के अंदर और ऐड सोर्स में आने के बाद आपको एक लिंक, एक वेबसाइट का लिंक यहाँ पे डालना पड़ेगा, जिसके जरिए कोडी ऐप के अंदर जिप इंस्टॉलर जियो टीवी का आ जाएगा। तो हम कहीं भी वीडियो को कट या स्किप इसीलिए नहीं कर रहे कि इस वीडियो के दौरान आप स्टेप बाय स्टेप कर सके। तो ये वेबसाइट आपके सामने है, वेबसाइट से पहले आपको पूरा उसका प्रोटोकॉल सोर्स टाइप करना है, https://// ये आपको लगाना है। https ये एक प्रोटोकॉल है किसी भी वेबसाइट को खोलने के लिए, सिक्योर वेबसाइट को, 2 बार slash लगाना है। अभी वेबसाइट भी आपको 2 जगह एंटर करनी है, पहली जगह हम एंटर कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप वीडियो में आपको दिखाया गया है। वेबसाइट का नाम है TOBALEN, उसके बाद डॉट लगाना है, हम आपके यहां जो टाइपिंग है वो भी एंड्रॉयड टीवी के रिमोट से कर रहे हैं। GIT लिखना है, इसके बाद HUB। तो ये सभी हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, इतनी स्लो कर रहे हैं इसीलिए ताकि आप भी इस वीडियो को देखते हुए लास्ट में .io.com या .in नहीं लगाना, io लगाना है और लास्ट में एक स्लैश और इसको ओके कर देना है। तो इस तरह हमने
एंड्रॉयड टीवी के जो रिमोट है उससे ही इस लिंक को पूरा टाइप किया है। अभी नीचे एंटर योर नेम इन द फुल ऑफ द मोबाइल सोर्स, यहाँ दोबारा सेम यही लिंक यहाँ पे आपको फिर से रिमोट की मदद से टाइप करना पड़ेगा। अगेन आपने लिखना है यही वाला लिंक जो यहाँ लिखा हुआ है, इसी लिंक को एज इट इज आपको यहाँ लिखना है, इसके बाद ही आपका काम हो पाएगा। तो यहाँ पे इस ऑप्शन पे आके आपको ओके प्रेस करना है अपने रिमोट में। ओके प्रेस करने के बाद आपके पास एंड्रॉयड टीवी का कीबोर्ड आ जाएगा, वहाँ से आपको चूज करना है अगेन https://, उसके बाद उस वेबसाइट का नाम उसी तरह से हम अपने माउस के मदद से इसको टाइप कर रहे हैं ताकि इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आप इसको टाइप कर लें, क्योंकि ये जो वेबसाइट का नेम है इसमें अगर कोई मिस्टेक आपने किया तो फिर आपके पास जिप सोर्स फाइल नहीं आएगी, और जिप सोर्स फाइल नहीं आएगी तो रिपोजिटरी में वो उसको इंस्टॉल करना इम्पॉसिबल है। तो दोनों बार हमने बड़ा ही स्लो में वीडियो को कट किए बिना लिंक को टाइप कर दिया और ओके करना है यहाँ पे। जैसे आप ओके करेंगे उसके बाद आपको कुछ सेकंड यहाँ अपने एंड्रॉयड टीवी पे होल्ड करना है। आप देख सकते हैं ऊपर से अगर गिनती गिने तो तीसरे नंबर पे वो लिंक आ गया है जो आपने सोर्स में प्लग इन किया था, ये रहा वो लिंक। इसको सिलेक्ट करना है जाके, इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको ओके करना है और बाहर निकल जाना है। उसके बाद आपको इंस्टॉल फ्रॉम जिप फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आके इस लिंक को सिलेक्ट करके ओके करना है, और फिर इसके बाद रिपोजिटरी को ओके कर देना है तो आपकी इंस्टॉल जिप फाइल आपके डिवाइस के पास आ जाएगी। इसके बाद आपको इंस्टॉल रिपोजिटरी में जाके चेक करना है, और जैसे आप ये चेक करोगे तो एक राइट साइड में आपको रिपोजिटरी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब आपको एक बार ऐप में से क्विट करना है, एग्जिट करना है। एग्जिट करने के बाद दोबारा इस KODI ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये एग्जिट होना भी जरूरी है, वरना आगे का स्टेप होगा नहीं। इसके बाद ये ऐप ओपन हो जाएगी, आपको सेटिंग में आना है, दोबारा एड ऑन में आना है और इंस्टॉल फ्रॉम रिपोजिटरी। इसके अंदर आपको सबसे नीचे टॉपलिन रिपोजिटरी और फिर वीडियो एड ऑन पे आपको आ जाना है। वीडियो एड ऑन में आपको ऑटोमेटिक जियो टीवी दिखाई देगा और इंस्टॉल करके ओके करना है। यहाँ पर भी हम वीडियो को कट या स्किप नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं प्रेस करना, ओनली वेट करना है। इंस्टॉलिंग 0% है, कुछ देर तक ये ऑटोमेटिक ऐसे प्रोसेस करेगी। पूरा स्टेप हमने वीडियो में अनकट दिखाया है, एकदम से जीरो से कुछ परसेंटेज बढ़ेंगे और लास्ट में 100% होकर ये ऐप इंस्टॉल हो जाएगी। देखिए यहाँ भी हमने वीडियो को ना ही कट किया है, ना ही स्किप किया है, ना ही फॉरवर्ड फास्ट किया है। अभी देखिए 12% हुआ है, 24 हुआ है, 24% हो गया है। ये कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिक प्रोसेस कर रहा है। 36% हो गया है, 72 एंड देन कंप्लीट। ऊपर लिखा आ गया जियो टीवी प्लग इन इंस्टॉल। अब आपको बाहर आना है, एग्जिट करना है एग्जिट रिटर्न बटन से, और यहाँ पे नीचे आके एड ऑन में आपको जियो टीवी मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और ये जियो टीवी आपके एंड्रॉयड टीवी में इंस्टॉल हो गया है। यहाँ कैटेगरीज आएगी, जनरलाइज में जाके इंटरटेनमेंट मूवी, यहाँ पे इस कैटेगरी के चैनल पड़े। इंटरटेनमेंट में सोन जैसे जी टीवी है, NDTV है, मूवीज में मूवीज के चैनल हैं जैसे एंड पिक्चर HD, जी सिनेमा HD, ETV, सोनी मैक्स HD। सोनी के चैनलों में कुछ इशू रहता है तो वो मोबाइल में भी रहता है और यहाँ भी रहता है। उसके बाद आपको लॉगिन करना है, लॉगिन के लिए सिक्योरिटी रीजन से मैं आपका मोबाइल नंबर डाल दो, जो कोई भी जियो का आपका मोबाइल है उसका नंबर आपको यहाँ पे डायल करना है और ओके करना है। जैसे ही आप ये प्रोसेस करोगे तो आपके जियो मोबाइल पर एक OTP भेज दिया जाएगा, वो OTP आपको इस एंड्रॉयड टीवी की स्क्रीन में यहाँ पे एंटर कर देना है। जैसे अब हमने वो प्लग इन कर दिया तो हमारे पास मैसेज आ गया है, अब हमारा जो OTP है वो हम यहाँ पे रिसीव होने के बाद एंटर कर देंगे और हमारा मोबाइल का अकाउंट यहाँ लॉग इन हो जाएगा। अभी तक हम जियो टीवी से सिर्फ मोबाइल में ही टीवी देख पाते थे, टीवी चैनल्स देख पाते, वो भी HD में।
सेम वही मोबाइल लॉगिन हो जाएगा आपके एंड्रॉयड टीवी में, और आप सभी एंड्रॉयड टीवी चैनल एंड्रॉयड मोबाइल की बजाय एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी में वो सभी चैनलों को देख सकते हैं, चाहे आपके पास फायर स्टिक हो, चाहे एमआई का एंड्रॉयड बॉक्स हो, सभी पे ये वर्क करता है 100%। चाहे आपके पास किसी ब्रांड का एंड्रॉयड टीवी हो, सभी में गूगल प्ले स्टोर होता है, और गूगल प्ले स्टोर से कोडी ऐप को आपको इंस्टॉल करना है। कोडी ऐप में जाके पहले आपको एक लिंक प्लग इन करना है, फिर इंस्टॉल जिप फाइल करनी है, फिर रिपोजिटरी में से उसको इंस्टॉल। ये देखिए लॉगिन सक्सेसफुली आ गया, राइट साइड में लिखा हुआ, अब आपके चैनल चलने शुरू हो जाएंगे। यहाँ ओके करना है, ये सोनी के किसी चैनल पे क्लिक करोगे तो मैसेज आएगा एरर का, सोनी के अलावा किसी चैनल पे देखिए जी सिनेमा है, एंड टीवी पिक्चर एचडी है, इस पे क्लिक करोगे तो प्ले हो जाएगा। ये देखिए एंड टीवी पिक्चर एचडी में चल रहा है, और ये आप सामने सुन सकते हैं लाइव चलता हुआ। ये जी सिनेमा, वो भी एचडी में। तो हमारी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।